नमस्ते एवरीवन, आज मैं आपसे बात करूंगी कि जीवन के 25 साल हमने कैसे गुजारे। तो जो आपने 25 साल जीवन के गुजारे उसके अकॉर्डिंग ही आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ होगी। तो आपके 25 साल जो हैं जीवन के आपके आगे के 25 साल जो निर्धारित करेंगे, और फिर जो है 25 साल के बाद का जो 25 साल का समय है वो उसके बाद का जीवन निर्धारित करेगा। यदि बचपन से ही आप आलसी हैं, यदि कोई भी काम आप नियम पूर्वक नहीं कर रहे हैं और ना ही आपका कोई शेड्यूल है, ना ही आप हाइजीन फॉलो कर रहे हैं, ना ही आप हार्डवर्क कर रहे हैं, ना ही कोई फिज़िकल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, आप ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, ना पूजा कर रहे हैं, ना पाठ कर रहे हैं, ना ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, तो फिर आपका जो बॉडी सिस्टम है वो कितना कार्य करेगा। क्योंकि शुरू में तो युवावस्था में क्या होता है कि सेल्स बिल्कुल नई होती हैं और हम जो है हमारा पूरा ऑर्गन्स हमारे नए होते हैं, तो पूरा सिस्टम जो है एक नए तरह से, एक मशीन होती है ना, जब शुरू शुरू में हम लेते हैं तो इट वर्क्स वेरी वेल, धीमे धीमे मशीन से काम लेते जाएंगे तो धीमे धीमे मशीन जो है हमारी ख़राब होने लगती है। तो उसी प्रकार से इसीलिए कहा जाता है कि माता पिता को बच्चों की आदतें बचपन से ही लगवा देनी चाहिए। बचपन से यदि आदत लग जाएगी तो फिर वो उनको करने में दिक्कत नहीं होगी। यदि बच्चे हैं, थोड़े छोटे हैं, ठीक है, 10 साल, 11 साल, 12 साल के हो जाने दीजिए, मान लीजिए आप 15 साल के हो जाएं, फिर 15 साल के बाद उनको बिल्कुल स्ट्रिक्ट फॉलो, नियम फॉलो करवाने चाहिए। उनको प्रातःकाल स्नान करना है, पूजा पाठ करनी है, उसके बाद उनको अपनी दिनचर्या शुरू करनी चाहिए। आज के युग में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो जो है एक्सरसाइज करे, नेचर के साथ बैठे और शांतिपूर्वक खाना खा सके। आज इतना बिजी शेड्यूल है कि लोगों के पास खाना खाने का भी समय नहीं है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मतलब जल्दीबाजी लगी रहती है, हर काम हम जल्दीबाजी में कर रहे होते हैं। और आज के युग में तो मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है फुल्ली ऑक्यूपाइड है अपने मोबाइल में, तो इस तरह से उनका दिमाग जो है पूरी तरह से फ़ोन के लिए एडिक्ट होता जा रहा है। और जो थोड़े बड़े लोग हैं, समझदार हैं, जिनको अनुभव है, वो इस बात को अच्छी और भली बात से समझ सकते हैं। अब कुछ भी इक्विपमेंट है उसको कैसे यूज़ करना है, किस पर्पज़ से यूज़ करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब लोग जो है गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं। देखिए, लोगों के पास जो है डॉक्टर के पास जाने का टाइम रहता है, डॉक्टर के यहाँ लाइन लगाने का टाइम होता है, ब्लड टेस्ट कराने का टाइम होता है, वेरियस दूसरे प्रकार के डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने का टाइम होता है, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सुबह उठ के प्रातःकाल ईश्वर की पूजा कर सके, शिव चालीसा पढ़ सके, दुर्गा सप्तशती पढ़ सके, उसके लिए उनके पास टाइम नहीं है। वो कहते हैं अभी मैं ये सब नहीं करूँगा, थोड़ा और उम्र हो जाए या फिर जब मेरी जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाएंगी तब मैं ये सब करूँगा। तो ये बिल्कुल भी गलत है। यदि आप उस ईश्वर के लिए समय निकालेंगे तो आपका जो 24 घंटा है वो 36 घंटे के बराबर हो जाएगा, आपके सारे कामों में आपको सफलता मिलेगी। तो आपको चूज़ करना है कि आपको कहाँ टाइम इन्वेस्ट करना है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जीवन के जो, जैसे आप मान के चलिए 100 साल है, तो अभी 25 साल आपको बहुत हार्ड वर्क रखना है और अपने शरीर को आराम भी देना है, लेकिन साथ में कड़ी मेहनत करनी है जिससे कि आपको एक आदत पड़ जाए। फिर उसके अकॉर्डिंग जो है आपका आगे के 25 साल आपके गुजरेंगे। उस 25 सालों में भी आपको आराम भी करना है लेकिन आपको कार्य भी करना है। तो आप ये जैसे मान के चलिए कि 100 साल की आयु है, तो आपका 1/4 लाइफ आपका कैसा रहा, 50 साल के हो गए, यानी आपने जीवन के 50 साल गुजार दिए, तो 50 साल में आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपके ऑर्गन्स कैसे हैं, आपकी बॉडी पार्ट्स कैसे काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आप जो है अपने शरीर को जो है स्वस्थ रखने के लिए आपको खान पान का विशेष ध्यान देना है, और आपको अपने चलने फिरने का ध्यान रखना, अपनी सोच का सबसे पहले ध्यान रखना है। यदि सोच में कुछ गड़बड़ी हो गई तो फिर जो ब्रेन जो है वो पूरे शरीर को ऑपरेट करता है, जैसा हम सोचेंगे उसके अकॉर्डिंग ही जो है हमारे साथ होगा। तो कहते हैं ना कि ब्रेन जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन जो है स्पाइनल कॉर्ड, और हमारा ब्रेन जो ही पूरे शरीर को चला रहा है, इसलिए हमें अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, हमें कुंसित भावनाओं से ग्रसित नहीं होना है, हमें दूसरों को भी सिखाना है कि दूसरे भी इस रास्ते ना जाएं, क्योंकि इसमें सिर्फ अपना ही नुकसान है।
अब जैसे मैं अपना लेती हूँ, मैं हमेशा जो है किताबों के साथ ही रहती थी, और लेकिन ये था कि मैं जब स्कूलिंग थी मेरी तो मैं साइकिल चलाती थी, साइकिल से स्कूल जाती आती थी, तो काफ़ी एक्सरसाइज आती थी। हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी घूमने फिरने जाते थे तो साइकिल से ही जाते थे। जब मैं एमटेक कर रही थी तो मेरा कॉलेज घर के पास ही था, तो मैं पैदल जाती थी, पैदल आती थी। तो इस तरह से आपका क्या है कि आप एक्सरसाइज आपकी रहती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, लाइफ में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि लोग आपको इग्नोर करते हैं, लोग आपको अवॉइड करते हैं, तो जो निगेटिव इम्पैक्ट जो है उस इंसान पे पड़ता है, उससे जो है आपको आपके अंदर बहुत ही लो एनर्जी आती है। आप लो एनर्जी को एक डिप्रेशन का नाम भी दे सकते हैं कि आदमी डिप्रेस हो जाता है, उसे कहीं सफलता नहीं मिल रही होती है, हर कोई उसे परेशान कर रहा होता है। तो ये सारी बातें जो होती हैं स्वास्थ्य पर बहुत असर डालती हैं। तो आप लोग अपने बच्चों को जो है 15 साल से ही बिल्कुल शुरू करा दीजिए, बिल्कुल जो है मेहनत करने के लिए, कर्मठ बनने के लिए, और उनको अभी से आदत पड़ जानी चाहिए। उनको प्रातःकाल उठकर 5 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही ईश्वर का ध्यान करना है, उसके बाद ही उनको अपने बाकी के जो है रूटीन वर्क करने हैं, फिर स्कूल जाएँ चाहे जहाँ भी जाएँ। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि आज स्कूल में भी प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है, स्कूल में एक मंदिर बना देना चाहिए, और जो भी फेस्टिवल ओकेजन्स होते हैं बच्चों को वहाँ पे जो है दर्शन करना चाहिए भगवान का। बल्कि स्कूल में मंदिर की स्थापना यदि होती, जैसे स्कूल में प्लेग्राउंड होता है, हर प्रकार की चीज़ें होती हैं, उसी प्रकार से एक मंदिर भी होना चाहिए, जैसे कि बच्चे जब वहाँ जाएं तो उस ईश्वर की प्रेजेंस का एहसास हो उन्हें, और ईश्वर की ब्लेसिंग जो स्कूल पर पड़े, और स्कूल के बच्चे जो हैं खूब आगे निकले और उनको अधिकतम मार्क्स मिले। बच्चों को देखने की आदत, सुनने की आदत, उनके चारों ओर कैसा वातावरण है, इस बात का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो हमें कुछ इस तरह का बनाना है कि बच्चों के मस्तिष्क पे जो है बहुत ही अच्छे से असर करे ये सारी चीज़ें, इस तरह से इम्पैक्ट जो है पड़ना चाहिए। अब देखिए कुछ लोग होते हैं ऑफिस जाते जाते बस में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, उसी वक्त ही जप कर लेते हैं, चैंटिंग कर लेते हैं। जब भी आपको लो एनर्जी का एहसास हो आप चैंटिंग करना शुरू कर दीजिए, देखिए आपके अंदर कितनी ऊर्जा आपको फ्लो होगी, आपको लगेगा आप बिल्कुल चल नहीं पा रहे हैं, आप कुछ काम नहीं कर पा रहे, लेकिन जैसे ही आप चैंटिंग करना, जप करना शुरू करते, देखिए आपके अंदर एक अपार ऊर्जा का जो है प्रवाह होने लगता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपके अंदर एक ऊर्जा जो है भर जाती है, और फिर से आप कार्यरत हो जाते हैं। तो सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है अपने बच्चों को हैबिट दिलाइए, बल्कि माता पिता स्वयं भी और बच्चे स्वयं भी, सबसे पहले दिन की शुरुआत जो है स्नान से करें, फिर स्नान करके पूजा पाठ से करें, फिर बाकी के कार्य शुरू करें। यदि इंसान जो है अपने जीवन के पहले के 25 साल बहुत अच्छे से गुजारेगा तो आगे के 25 साल बहुत अच्छे से गुजरेंगे, और 50 साल के बाद जो है हमें पूरा अपना जो है सिस्टमेटिक वे में प्लान करना है, जैसे कि हमारी ओल्ड एज में हमें कोई सफरिंग ना हो और हमारा जीवन जो है बहुत ही सुखमय बीते। तो मोक्ष और लिब्रेशन क्या है, सुख दुख से मुक्ति, आपको जो है रीबर्थ से मुक्ति मिल जाएगी, और जो साइकिल है डेथ और रीबर्थ का उससे आपको फ्रीडम मिल जाएगी, क्योंकि ये मनुष्य का जीवन जो है वो बहुत ही सफरिंग का है और इसमें बहुत सारे दुख हैं, इंसान जो है इस दुख में जी रहा है। तो हम ध्यान पूजा करते हैं, ध्यान पूजा की जो हाई स्टेजेस होती हैं वो उसमें मोक्ष और लिब्रेशन ही आता है, तो उससे भी इंसान को गुजरना तो है, ये कभी ना कभी तो गुजरना ही, चाहे इस इनकार्नेशन में गुजरे या बाद में गुजरे, तो डिपेंड करता है कि आपकी क्या चॉइस है। तो लास्टली मैं यही कहूँगी कि आप सब लोग ईश्वर का ध्यान करिए, अपने दिन की शुरुआत ईश्वर से करिए, ईश्वर में मन लगाइए, फिर कोई कार्य शुरू करिए। लेकिन आजकल मैंने देखा सारे कामों के लिए हमारे पास टाइम होता है और जो बचा कुचा टाइम होता है वो हम ईश्वर में लगाते हैं, तो ये गलत है। सबसे पहले आप अपना समय भगवान को दीजिए, फिर उसके बाद अपने सारे कार्य करिए, देखिए कार्य कितने अच्छे से होंगे। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।